A Delhi-based YouTuber has been arrested for making his pet dog float up in the air by tying hydrogen balloons on its back. The man uh, whose uh, channel is called of Zone are tied to the dog's upper body, and the upper body has started flying uh, in a little while and got. <laughs> नमस्कार देवी और सज्जन स्वागत है आपका वीडियो में बहुत टाइम से गया हुआ था बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बट तो मुझे एक्चुअली कोविड हो गया था तो भूख लग गया अराउंड दो हफ्ते तक मैं बीमार था उसके बाद एक महीना लगा होगा मेरे को रिकवर करने में एंड मैं अच्छे से ढंग से रेस्ट लेना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि मैं एकदम से डायरेक्ट कुर्सी पे बैठ जाऊँ और वीडियो शूट करने लगू इसलिए मैं गया था बहुत सारे लोगों को लगा था मैं मरमरा गया हूँ बट यू नो दैट्स नॉट मैं वापस आ गया हूँ जय श्री राम इज बैक Oh. डोले चले गए नहीं तो डोला फ्लेक्स भी करता मैं बट ठीक है यार कोई बात नहीं बीमारी में एक्चुअली बॉडी कम हो जाती है कोई बात नहीं दोबारा बनाएंगे बॉडी और इस गधे के बारे में बात करते हैं अगर तुम्हारे को पता नहीं है ये बंदा कौन है ये बंदा एक चैनल चलाता है गौरव जोन नाम से वहाँ पे व्लॉगिंग करता है और व्लॉगिंग के नाम पे एक्चुअली ये नकली फ्लेक्सिंग और उठपटांग चीजें हरकते करता है जैसे अपना कुत्ता उड़ा दिया इसने अगर तुम्हारे को नहीं पता तो रिसेंटली रिसेंटली नहीं अप्रोक्सिमेटली एक महीने पहले इसने अपना कुत्ता हवा में उड़ा दिया एंड एनिमल क्रुअल्टी वाली चीज के ऊपर शायद इसके ऊपर अभी भी कार्यवाही चल रही है बट कितना गधा

छोड़ तो बता बता कि, मुझे के लौड़े मस्त मस्त मजेदार रिटायर्ड बंद बुद्धि कैसे बने ये ट्यूटोरियल है अब बात करते हैं गोबर जोन भैया के कंटेंट के बारे में गोबर जोन भैया का कंटेंट कुछ नहीं है सिर्फ अननेसेसरी फ्लैक्सिंग है मेरी टोपी देखो मेरी गाड़ी देखो मेरी बाइक देखो मेरी बीवी देखो मेरा ये देखो मेरा कुत्ता देखो ब्लॉगिंग में फ्लेक्सिंग बहुत कॉमन चीज है तुम्हारे को देखने वाले मोस्ट प्रोब्ली वही लोग हैं या बच्चे हैं जो की चाहते हैं की उनकी जिंदगी काश तुम्हारे जैसी हो जाए काश उनके पास बाइक तो तुम्हारे जैसी गाड़ी हो ठीक है महंगी महंगी चीजें हो तो यही गोबर जोन भैया भाई, भाई बट मुझे मैं गोबर जोन पे एक वीडियो पहले बना रखी है अपनी थार के ऊपर फॉइल लगा ली हाई गट सी लड़का की ऑडियंस वो मेरा ही था। एक तो सैड ये चीज है की बच्चे देख रहे हैं गोबर जोन भैया के वीडियो और उससे भी ज्यादा सैड ये आधे टाइम गोबर जोन भैया की जो चीजें वो फ्लेक्स कर रहे वो उनकी खुद की नहीं होती किराए पे ले रखी होती है जैसे उनकी बाइक वो मोस्ट प्रॉबली स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है और स्पॉन्सर करने वाले वही बाइक शोरूम वगैरह होते हैं जहा पे दिखाता है की मैंने ये खरीद लिया मैंने वो खरीद लिया खरीदता वो कुछ नहीं है उसको सिर्फ पेमेंट मिल रही है बट वो जाके दिखा देता है क्योंकि एक तरह से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उनका सैड भाई सैड सैड फील होता है मुझे उन बच्चों के लिए जो भाई उनको लगता है कि ये सब चीजें एक्चुअली में खरीद लेता है और कितनी सैड चीज है कि वो कुछ खरीद के तुम्हारे को वीडियो में दिखा रहा है कि लुक मैंने ये खरीद लिया बल्ले बल्ले एंड वो कॉन्टेंट है मतलब इक्का दुक्का बार हो सकता है बट यू नो बार 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 मैंने ये बाइक खरीद ली मैंने नू कर लिया मैंने ये कर लिया मैंने नया कच्चा खरीद लिया अरे बहन ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉगर्स के पास एक पॉइंट पे जाके कंटेंट खत्म हो जाता है उन्हें समझ नहीं आता कि अब नेक्स्ट क्या करें तो वो जो व्हाट्स नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है वो कुछ भी उठ करके सॉल्व कर लेते हैं मोस्टली जब भी ये कॉन्टेंट बनाते हैं ये दो रिएक्शन के पीछे भागते हैं या तो वाह या फिर हो अब वो जो हॉ है वो भी रिएक्शन ही है वो नेगेटिव है बट वो भी रिएक्शन ही है उसे देख के भी लोग आते हैं वो शॉक फैक्टर जो है उस शॉक फैक्टर को देख के भी बहुत लोग आते हैं और वो जो हो वाला फैक्टर होता है वो मोस्ट प्रॉब्लली वायरल कॉन्टेंट बनाता है गौरव जोन भैया की मोस्टली जोडियो ट्रेंडिंग पे आ जाती है पता नहीं इनकी यूट्यूब से कुछ सेटिंग वगैरह है या क्या है पता नहीं ये ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं घूम फिर के और इनकी वीडियो में दबा के डिसलाइक्स होते हैं बिकॉज ये स्कैम कर रहे होते हैं झूठ बोल रहे होते हैं टाइटल कुछ और होता है क्लिक बेटिंग होती है और अंदर वीडियो कुछ और होती है और वो क्लिक बेट करने के बाद भी अंदर कुछ अच्छा नहीं होता वो टट्टी होता है बट इसी चीज की वजह से गोबर जो जैसे भैया लोग होते हैं इनको फर्क नहीं पड़ता ये अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं या खराब बना रहे हैं या फिर ये वीडियो में जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है इसकी अपोलॉजी वाली वीडियो से साफ पता चल रहा है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया इसको समझ भी नहीं आता कि क्या किया इसने अब ये घुमा फिरा के नो यू भी कर देगा कि भाई आधे लोग जो कुत्ते के बारे में बोल रहे हैं वो खुद तो चिकन लेग पीस खाते हैं बट यस ही एक्सेप्ट कि इसने कुछ गलत किया अब वो क्यों क्योंकि वो उसको हॉ रिएक्शन मिल गए और उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई तुमने कितना भी कुछ भी हगाओ तुमने कितना भी कुछ भी गलत किया हो एक फॉलोइंग होती है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम गलत कर रहे हो सलत कर रहे हो या क्या कर रहे हो ठीक है उन्हें बस मतलब है कि तुम्हारे कितने मिलियन में सबसे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो तुम्हारे को देखेंगे ही उन्हें ऐसा है कि कोई बात नहीं दो मिलियन तीन मिलियन चार मिलियन भैया आपके सब्सक्राइबर्स तो हैं कोई बात नहीं हम तो आपको फुल सपोर्ट करेंगे मुझे तब तक अच्छा लगता है ब्लॉगिंग वाला कॉन्टेंट जब तक वो क्रिएटिव हो या तुम्हें कुछ उसमें से सीखने को मिल रहा हो या तुम्हें कुछ नया देखने को मिल रहा हो ऐसा नहीं की वो जबरदस्ती का ऊट पटांग बक हो रखी है मुझे डेविड डोब्रेक के ब्लॉग्स एक पॉइंट तक पसंद थे बट फिर उसके बाद मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि भाई जो चीजें इसके ब्लॉग में हो रखी है वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैंने डेविड के ब्लॉग देखने

हकते है भाई मतलब अगर तुम्हें लगता हो कि इंडिया में लोग चूती है नहीं नहीं भाई। पूरी दुनिया में लोग चूती है लोगन पॉल तो इतना आगे निकल गया था कि भैया जापान के सुसाइड फॉरेस्ट में जाके घुस गया जहां पे लोग एक्चुअली सुसाइड करते हैं वहां घुसना घुसना और उस उस जगह के के अंदर इलीगल है लोगन पॉल लिए उस जंगल के अंदर घुसा और डेड बॉडी की वीडियो बना ली और फिर उसके बाद गधे घोड़े थे जो उस डेड बॉडी वाली वीडियो को देख भी रहे थे उसने बहुत टाइम तक वो वीडियो हटाई भी नहीं उसमें सिर्फ वो पार्ट ब्लर कर दिया था उसने जब वो एक्चुअल वीडियो थी उसमें बॉडी ब्लर्ड भी नहीं थी कई बच्चों

Hmm. और दूसरी चीज जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है वो है फेक पॉजिटिविटी और जबरदस्ती की स्माइल सबकी शक्लें ऐसी बनी हुई है जैसे उनका अभी अभी भिया हुआ है और पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवानी पड़ रही है और यही फेक पॉजिटिविटी और स्माइल वगैरह देख के लोग इनका कॉन्टेंट वगैरह देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल डेविड डोबरी के ब्लॉग में कुछ भी गलत हो रहा हो लेकिन वो पीछे बंदा हंस रहा है व्लॉगिंग वाले कॉन्टेंट से मुझे सिर्फ नफरत नहीं है इट्स काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग ठीक है अपने दोस्त दूस दिखाओ खूब डालो अपनी वीडियोज में बट लोग स्किट बनाते हैं लोग स्क्रिप्ट करने लगते हैं ए, तू ये करना और तू वो करना और तू ये करना वो व्लॉगिंग नहीं होती वो स्क्रिप्टेड चीजें हो रही है रियलिटी शो वाला चुतियाब दे रहे हो तुम लोगों को दस फकिंग फेक मुझे do मुझे तो ऑलमोस्ट सारे में प्रॉब्लम दिखती है है ऐसा दिखता है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक कर रहे हैं और कुछ ऊट पटांग कर रहे हैं या फेक कर रहे हैं और जेनुअन मेरा रिएक्शन उनके ब्लॉग देखने के बाद ये होता है मिलियन विलियन वाले सब्सक्राइबर्स वाले जितने भी ब्लॉगर्स होंगे चलो कोई बात नहीं वो तो ठीक है वो ऊपर पहुंच गए क्रिंजी चीज कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं मैंने देखा है नए नए ब्लॉगर्स आएंगे वो भी क्रिंज मचा रहे हैं भाई जबरदस्ती के भाई कंटेंट नहीं होता वो भाई रैंडमली कुछ भी ब्लॉग चल रहा है भाई ब्लॉग करने का कोई आइडिया नहीं तो एक काम करते हैं अपनी माँ बहनों वगैरह के साथ गाड़ियों में बैठ जाते हैं और भाई क्वेश्चन पूछते हैं भाई बड़ा लंड पसंद है तुम्हारे को कि छोटा लंड पसंद है जबरदस्ती की फेक लाफ्टर कंपाइलेशन वाले ब्लॉग हो हा 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 तेरी डट्टी निकल गया हा 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 हू 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 गू पोटी चूती हा 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 ब्लॉग्स ट नॉ ट ऑन टे कंटेंट ब्लॉग्स बट एट एंड ऑफ़ द डे मुझे बड़ा सैड फील होता है क्योंकि लोग ऐसा मीडिया ऑकर कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा जहाँ पे उनकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा जहाँ पे किसी की कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही मीडिया ऑकर क्वालिटी वाला कॉन्टेंट शायद लोगों के लिए एडिक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तुम्हारे को चैलेंज नहीं करता इसलिए शायद भेड़ चाल में लोग सल्लू भाई की मूवी देखी आते हैं और कपिल शर्मा के शो देखे आते हैं जबकि उनको वहाँ पे कुछ हाई क्वालिटी मिल नहीं रहा है लेकिन वो देख रहे हैं बार 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 सेम चीज मुझे इन ब्लॉग चैनल्स के साथ भी लगता है और एक चीज उसमें और ऐड हो जाती है कि लोग एनवी करते हैं लोगों के अंदर वो एक चाह है कि काश मेरे पास भी होता इसलिए शायद लोग ब्लॉगिंग वाले चैनल्स को इतना फॉलो करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक चाह होती है काश काश मेरे पास भी ये सब होता काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता मेरी बीवी ऐसी होती या मेरी माँ ऐसी होती या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होती काश मेरे पास एक गाड़ी बाइक होती काश मेरे पास एक कुत्ता होता काश मैं इतना ट्रेवल कर पाता काश ये काश वो काश 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 और वो जो काश है वही तुम्हारे को शायद देखने पर मजबूर कर देता है बिकॉज तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे को चाहिए क्या अर्ली स्टेजेस पे तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हें चाहिए क्या तो तुम जब देखते हो तो वो जो तुम्हारी जो प्यास है चाहने की वो भी बढ़ जाती है और वो एक तरह से एडिक्टिव हो जाता है ये इतनी सैड चीज है कि वो जो काश है वो कभी खत्म नहीं होता तुम्हें 200 सीसी की बाइक के बाद प्रॉबली 400-500 सीसी की बाइक चाहिए होगी वो काश कभी खत्म नहीं होगा मैं ये नहीं बोलूंगा कि व्लॉगिंग चैनल सब देखने बंद कर दो यस yes, बट वो चीज देखो जहां पे तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा है मैं सिर्फ गोबर जोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बाकी ब्लॉग चैनल की बात भी कर रहा हूँ अपना दिमाग खोलो और वो चीज मत देखो जहां पर तुम्हारे को कुछ सीखने को नहीं मिलता जहां पर तुम्हारे को कुछ फायदा नहीं होता जब तक वो चीज एंटरटेनमेंट के लिए देख लो नहीं तो इट कंप्लीटली उसको खत्म कर दो भाई कि नहीं देखना मुझे मैं यूजअली वो ब्लॉगिंग चैनल्स देखता हूँ जहाँ पे कुछ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिल रहा है जैसे पीटर मैककिनन हो गया वहां पे तुम्हारे को एक्चुअली कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ पे सिर्फ फालतू की बकवास नहीं हो रही ठीक है वहाँ पे फिल्म मेकिंग रिलेटेड तुम्हारे को कुछ सीखने को मिल रहा है मैं केसी नाइस देख लेता हूँ क्योंकि कई बार वगैरह की बात करता है और ट्रेवल वगैरह कर रहा होता है तो उसका स्टोरी बताने का तरीका अच्छा है और भी कुछ ब्लॉग चैनल है जो मैं कई बार देख लेता हूँ मैं सैब कोल्डर मैट कोमो वगैरह भी देख लेता हूँ उनके ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए नहीं बट उनकी स्टोरी टेलिंग वगैरह के लिए क्योंकि वहां पे तुम्हारे को कुछ सीखने को मिल रहा है बट सबका चॉइस अलग है सबका टेस्ट अलग है अगर तुम्हारे को देखना है एक ब्लॉगर भाई अपना कुत्ता उड़ाते हुए या तुम्हारे को अच्छा लगता है कि ब्लॉगर लोग अपनी माँ बहन बेटी और दोस्त वगैरह एक्सपोज दबा दबा के करके व्यूज खा रहे हैं तुम देखो वो कॉन्टेंट बस आज के लिए इतने अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर मारना सब्सक्राइब करना घंटी दबा के अगर तुम्हारे को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है अगर तुम्हारे को घंटी की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ कि नई वीडियो आ गई है मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया उन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दो जो भैया जबरदस्ती के लोग एक्सपोज करते हैं और भाई कुत्ते उड़ा देते हैं एंड या विद ऑल दैट सेड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो अगली बार तक के लिए जय श्री राम करते हैं